और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शेयर विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, बात करता हूँ 5 रुपए के डेट फ्री शेयर के बारे में। ये 5 रुपए का शेयर सिर्फ 1 रुपए का स्टॉप लॉस और 5 गुना ये आपको रिवॉर्ड दिखा सकता है। तो चाहो तो स्टॉक को आप इस प्राइस में एक्युमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक का नाम भी आपको बतलाऊंगा और इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, बहुत पहले यहाँ कहीं आपको सजेस्ट किया था 4.5 रुपए के आसपास। और ये स्टॉक ने जो पैसा है आप लोग देखिए, हाई लगाया है 13 रुपए का इसने, ऑलमोस्ट 4 गुना इसने हमें रिटर्न कमा के दिया। अब स्टॉक में दोबारा हमें एक अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। पहले भी हमने बाय करके पैसा कमाया था, अब दोबारा हमें लगता है कि स्टॉक में एक बाय बन सकता है। अब थोड़ा समझाता हूँ कि बाय क्यों बन सकता है। देखो, अब थोड़ा प्राइस के बारे में समझो। ये स्टॉक का क्या था, रजिस्ट्रेशन एरिया था, ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन एरिया था पहले, ठीक है। यहाँ इसने बहुत अच्छे तरीके से इसको रजिस्ट किया, जैसे ही इसके ऊपर ये क्लोज करा, स्टॉक आपका रॉकेट हो गया। अब ये जो एरिया है रजिस्टेंस एरिया, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और एग्जैक्टली इट इज वर्किंग एज अ सपोर्ट। 1, 2, 3, 4, 5, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गया प्राइस इसी बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक में हम एक छोटी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 5 रुपए तक स्टॉक को हम एवरेज कर सकते हैं, 5 रुपए तक, ठीक है। बेस्ट प्राइस स्टॉक को बाय करने का 5 रुपए तक है, 5.80 रुपए अच्छा प्राइस है। 4.10 रुपए का, 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको अगर आप स्टॉक को बाई करो। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका स्टॉप लॉस होने 4 रुपए का, ठीक है। अब बात करते हैं रिवॉर्ड। तो देखो, कभी भी अगर स्टॉक आपका मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता है तो मेरे हिसाब से जितना आपका लॉस होता है उसका आप रिवॉर्ड रखा करो कम से कम 5x का। और जब मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड मूवमेंट शिफ्ट होता है तो वो रिवॉर्ड आराम से 1:5 का आपको देके जाता है। तो यहाँ 5x मैंने इसलिए लिखा है, 5 गुना। अब 5 गुना का मतलब क्या, थोड़ा समझो आप, ठीक है। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अगर 1 लाख रुपए डालूंगा तो वो 5 लाख बन जाएगा, तब वो 5 गुना होता है। यही तो आप लोगों को नहीं पता बिजनेस में। देखो, बिजनेस में होता है कि आपका लॉस कितना है, ठीक है। अब मान के चलो कि ये स्टॉक में मैं 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है कि 1,000 रुपये आपका शून्य होने वाला है? आप मुझे बोलो, अगर आप 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो क्या ये 1,000 रुपये आपका शून्य होने वाला है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपके जो स्टॉप लॉस होने वाला है, मतलब जो आपका लॉस होगा, मैं ये मान के चलता हूँ आपने 1,000 रुपये डाला तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो 250 क्वांटिटी आएगी, एम आई राइट? ठीक है, इतनी आएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। मान के चलो चलो 200 क्वांटिटी आएगी, ठीक है। मैं 250 बहुत ज्यादा बोलती, 200 × 5/1,000 होता है, ठीक है। तो 200 क्वांटिटी आपके पास आएगी, तो ये 200 × 10 मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है, तो आपका यहाँ पर मात्र 200 रुपए का क्या है, लॉस है, रिस्क आपका 200 रुपए है। तो इस 200 रुपए को आप खोने के बाद 1,000 रुपए के लिए सोच रहे हो, तो आप इस तरीके से देखा करो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ 5 गुना, ठीक है। आपको लगता है कि मैंने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी इतनी तो मैं प्रॉफिट भी उतना करूंगा, नहीं। आपने कैपिटल 1,000 रुपए इन्वेस्ट करी है लेकिन आपका लॉस 200 रुपए, 800 रुपए तो आपको हर कंडीशन में मिलना ही मिलना है। 800 रुपये तो पक्का 100% आपको आना ही आना है अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे, समझ गए? तो इसी को तो बोलते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। तो इसको देखते हुए मैं हमेशा अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ। मेरा लॉस 200 का है तो प्रॉफिट 1,000 रुपये का आ गया, तो आई एम इन अ गुड जोन। लेकिन लोग क्या करते हैं, 1,000 रुपये लगाया है मतलब टोटल, और 1,000 रुपये का प्रॉफिट आता है तो वो खुश नहीं होते, उनको लगता है यार अभी तो 1:1 ही तो आ रहा है। नहीं, आप इसको देखा करो कि मेरा यहाँ पर लॉस कितना है, और लॉस आपका कभी 1,000 रुपये नहीं होने वाला, आपका 200 रुपये होने वाला है, समझ गए? तो यही तो डिफरेंस है एक आप बोल सकते हो पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते, स्टॉक का नाम आपको समझ नहीं आ रहा पा रहा आ पा रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ स्टॉक का नाम दिखाया था, अगर आपको याद आ गया होगा तो स्टॉक का नाम आशीर्वाद कैपिटल करके है। याद आया कुछ, कब सजेस्ट किया था प्राइस, ठीक है। जाके चेकआउट करो, आपको वीडियोस भी इसके बहुत सारे मिल जाएंगे चैनल पर, ठीक है। यही वो स्टॉक है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, नजरों में रखो, अच्छा लगता है, ठीक है। सिर्फ इसका शेयरोटी पैटर्न भी बहुत अच्छा है। देखो, सिर्फ शेयरोटी पैटर्न भी नहीं, बहुत सारी चीज अच्छी है। मोर देन 51% के यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है, ठीक है। तो इसी वजह से कह रहा हूँ नजरों में रखो। साथ में कंपनी क्या है, डेट फ्री है, लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, तो क्या चाहिए, सब कुछ स्टॉक में बढ़िया मुझे नजर आता है। और स्टॉक की बुक वैल्यू 3 रुपए के आसपास की है, ठीक है भाई। तो मैं यही बोलूंगा नजरों में रखो, ठीक है। स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से आपको काफी अच्छा रिटर्न देके जा सकता है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो बाकी समाप्त करते हैं इस वीडियो को, कुछ भी क्वेश्चन सुझाव नीचे आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपके अपने अगले वीडियोस में।